So our next topic in programming for problem solving is derived data types. So as we have already discussed about the data types in previous videos, so जो पहले वाली videos थी उनमें मैंने बताया था data type क्या होता है. Data type of data है जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं कि किस टाइप का डेटा हम जो है यूज करने वाले हैं, वो इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर वो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है. तो वो हम क्या कर चुके हैं, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो हमने पढ़ा था कि हमारे पास थ्री टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंड इज यूजर डिफाइंड, एंड नाउ द थर्ड वन इज ड्राइव्ड डेटा टाइप. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड डेटा टाइप, दैट इज ड्राइव्ड डेटा टाइप. सो ड्राइव्ड डेटा टाइप इज नथिंग बट जो हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप है, मतलब जो हमारे पास प्राइमरी जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे थे, उसी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स करके, थोड़ा सा ट्विस्ट उसके अंदर करके और कुछ ग्रुप करके हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड डेटा टाइप बना देते हैं. मतलब कि जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उन्हीं के अंदर कुछ चेंजेस करके, उनको ग्रुप करके हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड डेटा टाइप्स जो है वो बना देते हैं. सो ड्राइव डेटा टाइप्स में हमारे पास एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, ये सब आता है. सो लेट स्टार्ट विद ड्राइव डेटा टाइप. सी ड्राइव डेटा टाइप जो है हमारे ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम प्रिमिटिव कह सकते हैं हम उनको, या हम उन्हें प्राइमरी बोल सकते हैं, या हम कहें कि जो हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, ओके, या तो फिर जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हमारे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं. अब हमारे पास ये कुछ है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड फंक्शन. सो लेट स्टार्ट विद द एरे. सो बेसिकली एरे क्या होता है, ये एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जो कि सेम टाइप के होते हैं, जिन्हें हम बोले कि होमोजीनियस होते हैं, मतलब सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जब उनको हम कॉन्टिन्यूस मेमोरी में स्टोर कराते हैं तो वो एरे होता है. Okay, see, the an array is a collection of items stored in at continuous memory location. So इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका जो है फर्स्ट लोकेशन पे है, देन सेकंड जो आएगा एलिमेंट वो सेकंड लोकेशन पे होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड लोकेशन पे, एंड सो ऑन. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी जो मेमोरी लोकेशन ये स्टार्ट होती है हमेशा से, जो इंडिसेस से स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है. सो अगर हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं तो 0 to 8 हमारा होगा, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो वो 0 to 9 होगा. अब इसका सिंटेक्स देखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है. सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, जितने भी हमारे एलिमेंट्स इसमें होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे, ओके. देन हम एरे का नेम दे देंगे एंड देन हम उसका साइज जो है वो डिक्लेयर कर देंगे. सो जैसे ही हम यहाँ पे सपोज हमने इंटीजर ले लिया तो माय डेटा टाइप को क्या पता चल जाएगा कि हम इंटीजर टाइप के डेटा यूज करने वाले हैं. देन एरे नेम सपोज हमने दे दिया ए, ओके. देन एरे का नेम हमने ए दे दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया 10. इसका मतलब है कि उसे वो क्या करेगा, 10 मेमोरीज जो है वो एलोकेट करा देगा, ओके. तो वो 10 मेमोरीज उसको एलोकेट करा देगा, उसमें फिर हम एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं, मैं प्रिंट करा सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सो यहाँ पे एरे की जो लेंथ है वो 9 है, फर्स्ट इंडिसेस हमारा जो है वो 0 है, देन लास्ट इंडिसेस हमारा जो है वो 8 है, एज यू कैन सी हियर. अब इन सारे जो हमारे पास ये एरे है इसके अंदर हम सेम टाइप का डेटा जो है हमने इंसर्ट कराया है. सब आप देख सकते हैं इंटीजर टाइप है, होल नंबर है, कोई भी फ्लोटिंग नहीं है, कोई कैर हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, कोई अदर डेटा टाइप का जो एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे नहीं यूज किए हैं. सो दिस इज एरे एंड देन वी हैव इज पॉइंटर. सो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी अनदर वेरिएबल की एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है या होल्ड करके रखता है, हम कह सकते हैं. मतलब पॉइंटर, अगर जहां पे नाम आ जाता है पॉइंटर तो वी कैन लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड टू एड्रेस. सो ये क्या करता है, और ये वेरिएबल होता है, ये डेटा टाइप नहीं, वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, उसके सॉरी एड्रेस को जो है वो होल्ड करके रखता है. देन अगर हम ये देखें यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स ये है कि हम क्या करते हैं, हमने डेटा टाइप लिया, डेटा टाइप लेने के बाद हम जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका नेम दे देते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, int asterisk p,
सो हमने क्या किया, डेटा टाइप दे दिया, हमने पॉइंटर का नेम दे दिया एस्ट्रिक पी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने किया एम्परसेंड ए, ओके। तो अब ये क्या करेगा, जो पी है हमारा वो एड्रेस पॉइंट कर रहा है, ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है। अब अगर हमने यहाँ पे एड्रेस ए लिख दिया, ये पॉइंट जो हमने एम्परसेंड ए लगाया है, मतलब कि जो ए है उसके एड्रेस को ये होल्ड कर रहा है, ओके। और जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, हमने इंट यूज किया, मतलब इंटीजर डेटा टाइप का वो है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर टाइप। स्ट्रक्चर टाइप जो होता है ये हमारे पास, हमें क्या करता है कि ये एरे टाइप का होता है, जैसे एरे वर्क करता है ये भी वैसे ही वर्क करता है। बट जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस यहाँ पर आता है वो ये है कि जैसे हमारा एरे होमोजीनियस था, ये हेट्रोजीनियस होता है। मतलब कि ये क्या करता है, वो जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करा रहा था सेम डेटा टाइप के, ये डिफरेंट डेटा टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कराता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सिंटेक्स देखें इसका क्या होता है, हमने लिया स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट यहाँ पे कीवर्ड आ जाएगा स्ट्रक्चर के लिए, देन हम उसको टैग कर देते हैं। फिर जब हम कर्ली ब्रेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने मेंबर्स ले लिए हैं, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री एंड सो ऑन हम ले सकते हैं। मेंबर्स को हम यहाँ पे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर को एलिमेंट को सेम ही चीज होती है, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। सो जब हम कर्ली ब्रैकेट खत्म करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, देन उसके बाद हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल भी देना होता है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स का, सो हमें क्या करना है कि हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है। अब स्टूडेंट का जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे स्ट्रक्ट, देन हम उसको टैग करेंगे, टैग में मीन्स हम उसका नाम देंगे। तो अब हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेम दे दिया स्टूडेंट। देन उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे मेंबर्स हैं, हमने ले लिया कैर, कैरेक्टर नेम। अब यहाँ पे हमने इसको, हमें ये पता है जो कैर होता है वो क्या करता है, सिंगल एलिमेंट को होल्ड करता है, सिंगल वैल्यू लेता है। बट हमने यहाँ इसको क्या किया है, लेंथ दे दिया है 25, मतलब कि मैक्सिमम 25 कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने लिया इंट एज। अब इंट एज ये दोनों डिफरेंट हमारे डेटा टाइप्स हो गए। देन हमने ले लिया कैर ब्रांच, वो किस ब्रांच का स्टूडेंट है, अगेन हमने क्या किया है उसको लेंथ दे दिया कि ब्रांच की जो लेंथ है वो 10 होगी, मोर देन दैट वो नहीं हो सकती है। मतलब आप अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास, आपको 10 कैरेक्टर ही आप यूज कर सकते हैं, और नेम में आप 25 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देन आपने एफ फॉर फीमेल एंड एम फॉर मेल ले लिया है, यहाँ पे आप कैरेक्टर को क्या दे रहे हो, जेंडर बता रहे हो। सो यहाँ पे सिंगल वैल्यू आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कोई भी लेंथ हमने नहीं दिया, क्योंकि हम सिर्फ एफ या तो फिर एम यूज करेंगे। सो ये हमारा स्ट्रक्चर था। नाउ नेक्स्ट इज यूनियन टाइप। सो बेसिकली यूनियन क्या होता है कि ये जो डिफरेंट हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनको सेम मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब वो क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, जो आपकी मेमोरी होती है उसको स्टोर कर, मतलब उसको सेव करने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर यूज़ करने के लिए पर्पस में काम आता है। कि आप यहाँ क्या कर सकते हो कि जो भी आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनको आप सेम मेमोरी लोकेशन दो, बट यहाँ पे जो वर्किंग होती है वो ऐसे होती है कि एक ही एलिमेंट फिर एक टाइम पे वर्क करेगा, एक्टिव एक ही रहेगा, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो एग्जैक्टली सेम एज अ स्ट्रक्चर होता है, सेम होता है। यहाँ पे हमने मेंबर ले लिया, एलिमेंट्स ले सकते हैं, डेफिनेशन की जगह हम वेरिएबल लिख सकते हैं। बस जो चेंज यहाँ पे आता है, जहाँ हमने स्ट्रक्ट यूज किया था वहाँ पे हम यूनियन यूज करते हैं। तो ये भी सेम ही करता है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है उनकी वैल्यूज स्टोर कराता है और इनको सेम मेमोरी लोकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सो इसका सिंटेक्स देखते हैं, यूनियन, यूनियन टैग, यहाँ पे यूनियन का नेम आ जाएगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल्स दे देंगे, हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन अगेन यूनियन वेरिएबल। और हमें ये जरूरी याद रखना है कि यहाँ पे जब हम वेरिएबल को क्लोज करते हैं तो हमें सेमी कॉलन जरूर देना है। देन इसके बाद एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमने लिया यूनियन, हमने एक यहाँ पे इसका नेम दे दिया डेटा। नाउ डेटा में हम इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं आई,
आई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, देन हम फ्लोट वैल्यू यूज करेंगे, उसके लिए हमने एफ वेरिएबल दिया है, देन हम कैर यूज करेंगे, ये हमने इसको नेम दे दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने दे दिया इसको लेंथ, देन हमने वेरिएबल का नेम यहाँ पे दिया है डेटा। सो सेम है बिल्कुल एज इट इज, ये स्ट्रक्चर की तरह है, बस जो डिफरेंस आता है हम यहाँ पे यूनियन यूज करते हैं स्ट्रक्ट की जगह। देन वी हैव फंक्शन। सो फंक्शन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, ये हम यूज करते हैं जब हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है या बहुत लेंदी होता है, तो हम फंक्शन को यूज करते हैं कि उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और वो जो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन पार्ट्स को हम फंक्शन बोलते हैं। कोई भी आपकी एक बहुत बड़ी जो बिग प्रॉब्लम है या कोई भी आपका कोड है जो बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सब उसमें चेंज कन्वर्ट डिवाइड कर देते हैं, और वो जो पार्ट होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं, और इसको हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें दोबारा दोबारा फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो उससे जो हमारा जो कोड होगा वो छोटा हो जाएगा, वो कम मेमोरी लेगा और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। सो इसका जो सिंटेक्स होता है वो हम सबसे पहले फंक्शन टाइप देते हैं कि किस टाइप का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, देन हम फंक्शन नेम देते हैं और उसके पैरामीटर्स, देन उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी ऑफ फंक्शन लिखते हैं। अब इसको जब भी हमें कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल का इंस्ट्रक्शन देके सेम फंक्शन को बार बार हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन नहीं होती है कि आप एक फंक्शन को कितनी बार यूज कर सकते हैं, आपको जितनी बार उसकी नीड होगी आप उतनी बार उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राइव्ड डेटा टाइप। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।